अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नजर डालेंगे वक्त हेडलाइंस पर। पिशावर में रिंग रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग, 3 एफसी एहलकार शहीद। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अफगान तालिबान ने मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक कर दी। मुल्ला हैबतुल्ला को नया अमीर मुकर्रर कर दिया, अफगान मीडिया का दावा। सिराजुद्दीन हकानी और मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब डेप्टी सुप्रीम लीडर मुकर्रर। पाकिस्तान का मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक से इंकार। वजीर दाखला चौधरी निसार कहते हैं कि ड्रोन हमले पाक अमरीका ताल्लुकात को संगीन खतरात से दो चार कर सकते हैं। उधर वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करने वाला तहसीलदार रफीक तरीन कोयटा से गिरफ्तार। पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर इमदाद के लिए शराइत मजीद सख्त करने का बिल अमरीकी सेनेट में पेश। अमरीका का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा। पाकिस्तान हकानी नेटवर्क समेत तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करे, तर्जुमान महकमा खारिजा। गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी। मुलजिम नाकाबिले जमानत वारंट के बावजूद बैरून मुल्क चला गया, क्यों ना जामिन की जमानत जब्त कर ली जाए। करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च पिशावर से शुरू। मार्च शाम 8 बजे लाहौर, दिन 3 के बाद कराची पहुंचेगा। सिराजुल हक मार्च की क़यादत कर रहे हैं। पनामा कमीशन के टीओआर क्या होने चाहिए, पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज स्पीकर के चैम्बर में होगा। कमेटी 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कमेटी से कोई खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं। और चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया किनारे 3 मंजिला इमारत चंद सेकंड में ही जमीन बोस हो गई।